आगरा में शासन और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी अवैध धंधे करने वालों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि यूपी में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ने के कारण सरकार ने 3 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसके बावजूद भी इन अवैध धंधे करने वालों को ना तो कोरोना का डर है और ना ही शासन और प्रशासन का। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं पूरा मामला। ताज नगरी आगरा के पिनाहट थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव क्योरी घाट का है, जहां किसी प्रकार से पुलिस को इस घाट पर अवैध नाव के चलने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही रेंजर बाह और सीओ पिनाहट ने संयुक्त टीम बनाकर चारों थानों की पुलिस फोर्स के साथ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान नाव चालक मौके से 3 नाव को किनारे पर बांधकर फरार हो गए, तो वहीं वन विभाग और पुलिस टीम ने 3 नाव को अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सर, आज पिनाहट थाना क्षेत्र के गांव क्योरी में चंबल घाट पर 2 अवैध रूप से नाव चलनी थी, जिस पर आपने और थाना सर्किल की छापेमारी की है। क्योरी घाट पर पहले भी कार्रवाई कर चुके हैं संयुक्त, और अभी श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सूचना उनके शिकायत हुई है, उसके आधार पर पूरा सर्किल का फोर्स पुलिस सीओ पिनाहट और वन विभाग के साथ संयुक्त तो कार्रवाई कर 2 नाव को जब्त किया गया। इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक, आज पिनाहट थाना क्षेत्र के गांव क्योरी घाट पर पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त छापेमारी करके क्या कार्रवाई की यहां पर? आज दिनांक 11 जुलाई को सूचना प्राप्त हुई थी कि यहां पर अवैध रूप से नाव संचालित हैं, जिसमें लोगों को पास किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग इसमें बैठे रहते हैं और कोविड नियमों का उल्लंघन भी रहता है, और उसके अलावा हमारे जो वन्यजीव हैं उनका भी यहाँ पर बगैर अनुमति के इसका पास किया था, तो उसके खिलाफ सघन छापेमारी की गई है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, छापेमारी के दौरान नाव स्वामी मौके पर मिले कि नहीं मिले? अभी कोई नहीं मिला है और जल्दी इसमें गिरफ्तारी अवश्य होगी, मुकदमा लेकर इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, पहले भी इस नाव की छापेमारी के दौरान फायरिंग हो चुकी है, कार्रवाई हो चुकी है, इस प्रकार इनके हौसले बुलंद हैं, तो इन्हीं सबके हौसलों को बुलंद करने के लिए आज हमारी बड़ी टीम भी यहाँ पर आई थी, और इसमें हमारी एक टीम दूसरे स्टेट भी जाएगी और वहाँ पे जाकर भी इन सब की जानकारी लेके आएगी और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपके द्वारा थाना महुआ में भी जानकारी दी गई है? हाँ, हमने पहले से ही जानकारी दे रखी थी। मध्य प्रदेश में थाना महुआ में SO साहब से CO साहब से हमारी पहले ही बात हो गई थी कि हमारी टीम ऐसे आज कार्रवाई की है, तो उन्होंने पूर्ण रूप से सहयोग किया है और हमको आशा भी है कि इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं, जो अवैध रूप से नाव का संचालन कर रहे हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य की जाएगी।